अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत टाइम बाद वापस व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। बेसिकली यार मैं अपने एग्ज़ाम से फंसा हुआ था, मेरे सेकंड एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम मैं दोबारा स्टार्ट किया अपनी स्टडी। तो तकरीबन मेरे सारे एग्ज़ाम होंगे, बस एक एग्ज़ाम रहा इंग्लिश का, क्योंकि इलेक्शन की वजह से वो नहीं कर पाया था। तो 25 को लास्ट वन है मेरा इंग्लिश का, तो मैं उसकी तैयारी में लगूँ, बट नहीं हो रही यार। साथ साथ जॉब के साथ साथ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सब चीज़ें करना। तो अभी जैसे तुम देख सकते मेरा बैग वो पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ अभी थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। अभी नाश्ता वगैरह किया, चाय शाय पी है मैंने, तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया हुआ है। बाकी दोस्त यहाँ बैठे हुए सारे, देखिए यहाँ बैठे हुए थे, ये कि यहाँ बैठा होता है, यहाँ बैठा होता, वो सारे अभी भी यहाँ से निकल चुके हैं। तो मैं बैठ के पढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ। काम शाम देखिए वो सिस्टम मैंने लगाई हुई है, फाइल खोली हुई है, और काम का भी कोई मन नहीं है, क्योंकि काम की करने को दिल ही नहीं कर रहा इस टाइम, क्योंकि स्ट्रेस है यहाँ पर काम का, तो मैं कैसे करूँ। तो एग्ज़ाम लाजमी है, विदाउट स्टडी लाइफ नहीं है अब यार, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान में रहने के लिए सबसे लाजमी आपके लिए स्टडी है। स्टडी बगैर कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। तो मुझे लगता है कि मेरी इंग्लिश करनी चाहिए, मैं कल से लगाऊँ यार, मेरे से नहीं हो रहा, मुझे बहुत थक गया वो। तो अब देखो कितनी हो सकती है। अभी मेरी तैयारी 25 को मेरा एग्ज़ाम है, तो मेरी तैयारी लाइक अभी 0% है। हाँ सची 0% है। तो बस मैं उसी के साथ लगाऊँ कि यार वो किसी तरीके से उसको कर लूँ कवर अप। तो मैं आपको दिखाता हूँ बुक्स कैसी किताबें हैं और क्या क्या करना है यार, बहुत मुश्किल है। हमसे यहाँ से इंग्लिश की उर्दू नहीं, तो यहाँ पे अब लिखना उर्दू की इंग्लिश करनी है हमने, ट्रांसलेट्स करनी है, और उसके सवाल बहुत मुश्किल है, बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं उसके। उसके बाद उसकी और पता नहीं क्या क्या, मैंने तो बस ये दो चीज़ें देखी थी कल, तो मैं फ़िलहाल यही देखा था, और दोनों को देख देख ही रह गए, याद एक भी नहीं हुआ मुझे। तो अभी देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी निकालता हूँ बुक्स और आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बुक्स निकाल ली हैं, तो बस अब बैठ के करते हैं कुछ तैयारी थोड़ी बहुत, कि कुछ हो जाए। तो ये अपनी टेबल पे आ गया हूँ मैं, अब यहाँ बैठ के थोड़ा इसको तैयार करते हैं, क्योंकि नहीं करूँगा तो कोई अल्लाह ना करे सब की आगे तो घर वाले घर से निकाल देना। तो देखते हैं अब क्या बनता है। मैं दिखाता हूँ आपको बुक्स कि मेरी तैयारी कितनी और कैसी, इसकी क्या नाम है, सवाल जवाब में और MCQs तो बिल्कुल बाहर हैं दिमाग से, दिमाग में आते हैं इसके MCQs, पता नहीं कहाँ से MCQs ला कर देते हैं, और जो MCQs याद करके चले जाते हैं गलती से, उसमें से कुछ आता ही नहीं, 1% भी नहीं आता। मैं अपना फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिए थे, उसमें तो जो मैं याद कर गया था MCQs, उसमें से एक भी नहीं आया। मैं वहाँ बिल्कुल ना ऐसे कभी यहाँ देख रहा हूँ, कभी वहाँ देख रहा हूँ, गायबी मदद आ जाए, लेकिन गायबी मदद भी तब आए ना जब उनको आता हो। तो ब्रो बैठा हूँ, ये देखें ये MCQs हैं इसके, कोई समझ नहीं आ रही इसकी। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, ये बस खाली मार्क किए हुए हैं, इसमें आता होता कुछ नहीं है मुझे। ठीक है, ये खुद के दिल की तसल्ली के लिए मार्क किए हुए हैं कि मैंने कर लिए हैं। ठीक है, खुद की तसल्ली के लिए मार्क किए हुए, लेकिन आता होता कुछ भी नहीं है इसमें मुझे। तो उसके बाद क्या है इसके बाद जी, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं अभी। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर के बाद आती है ऐसे, इसमें से हॉस्टल में मैंने किया था। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं किया होगा। और उसके बाद और क्या, यूज़ एनी 5 to 4, ये देखो पढ़ी नहीं जा रही, सेंटेंस नहीं पढ़ा जा, करना क्या इतना मुश्किल है मुझे इंग्लिश। और घर वाले कहते पास होना बेटा इसी में, बेटे को देखो समझ ही कुछ नहीं आती, पास क्या होना, कुकू ये देखो मैंने मार्क किया था यहाँ पे कि मैं यहाँ तक एक दिन में याद करूँगा लाइक एक चैप्टर, बट एक चैप्टर का मुझसे ये नहीं हुआ, जस्ट ये यहाँ से यहाँ तक थी। देखो 1, 2, 3, 4 जिन जिन में स्टार्स लगे हुए ये मैंने किए थे, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ अभी तक, और ये भी मुझे कुछ ख़ास तरीके से याद नहीं है। तो अभी 25 को मेरा एग्ज़ाम है, उसके साथ उसकी तैयारी में लगे हुए फ़िलहाल। तो बाकी दुआ करें, अगर किसी दोस्त के पास गैस बने हुए हैं या किसी को बारे में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज है, प्लीज़ यार शेयर करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा या इनबॉक्स में आके प्लीज़ मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दो थोड़ी बहुत, क्योंकि ब्रो अगर 19-20 हुई तो आपके भाई घर से गया। ठीक है, जो गालियाँ पढ़नी हैं बड़ी बुरी हालत होंगी। ठीक है, देखो अभी मैं बुक को मेरा कोई इसमें दिल को बंद कर रहा हूँ, जितने प्यारी किताब है उसको ऐसे करके ये साइड पर। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर पढ़ूंगा क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रही है अभी। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी मेरे दोस्त या मेरी बहन या मेरे भाई को पता हो इसके बारे में कोई नॉलेज हो, किसी के पास गैस पड़े हो, या कोई टीचर देख रहा हो वीडियो मेरी, गलत क्लिक हुआ लगता, कोई वीडियो कोई टीचर देख रहा हो सर प्लीज़ कोई गैस टेंस दे दें, सॉरी गैस
गैस सैन दे दे मैं अपना क्या नाम है, गैस तो वैसे ही कर रहे बहुत है, गैस सैन तो दे दे कि मैं अपनी तैयारी कर सकूँ और पास हो जाऊँ इस साल, ठीक है, क्योंकि आगे आराम में देखें दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है और बड़ा बैड सीजन हो जाना, प्लीज़ थैंक यू सो मच। यार मैं थक गया हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मैं बहुत थक गया हूँ यार, किताबें भी देख देख के थक गया हूँ और काम भी कर कर के थक गया हूँ यार। वो मेरी बुक्स पढ़ी हैं उनके साथ मैं लगा रहा थोड़ा टाइम कि कुछ ना कुछ याद हो जाए, बट कुछ भी याद नहीं हुआ। फिर मैं काम करने लग गया सॉफ्टवेयर पे, ये मुझसे नहीं हुआ, बहुत थक गया हूँ। अब चलते हैं दोस्तों के पास, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं थक गया हूँ यहाँ बैठ बैठ के। रूम में कोई है भी नहीं है, क्योंकि सारे अपने अपने जगहों पे हैं, कोई अपनी क्लास में, कोई कहाँ पे, और मैं ऑफिस में बैठ बैठ कर थक गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं अपना काम, मेरा मुकम्मल भी हो गया वाला काम, मेरी स्टडी भी हो गई है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ उसको अपने ऑफिस को लॉक करके, जाके उनके पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि यार बहुत मुश्किल है स्टडी के साथ साथ काम करना, या तो इंसान स्टडी कर ले या तो काम कर ले। गलती हो गई जब जो टाइम था उसमें अपनी स्टडी नहीं की, बट अब कंटिन्यू की या तो बहुत मुश्किल हो गया। आप लोग से गुजारिश है ब्रो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो, अपने जो टाइम है घर वाले आपको दे रहे हैं पढ़ाई के लिए मौका दे रहे हैं, आप करो उस चीज़ को, अपना टाइम वेस्ट मत करो, वरना मेरी तरह आज यहाँ बैठ के खुद को कोसोगे। बाकी चलते हैं उनके पीछे, तो एसी चलता रहा मेरे को। अच्छा जी, क्या करना था, चलते हैं उनके पीछे, चले ये यहीं पे छोड़ दिया, निकलते हैं यहाँ से। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये कि भाई उनके पास चलिए वीडियो में, चलो ये बैठे हैं नासिर साहब, एक ये बैठा हुआ है, तू बैठा ना, मैं खड़ा हूँ, आपको बाहर का व्यू करवाते हैं यहाँ से। हाय हाय, यहाँ पे ये यहाँ बैठा हुआ फोन कैसा लगा, मैं नीचे अकेला बोर हो गया था। साहब इधर अच्छा, वो नीचे है मेरे ऑफिस के सामने जो एक क्लास है वहाँ पे, और जहाँ भी इधर बैठे हुए नासिर साहब, ये बैठे हुए नासिर साहब। थक गया यार मैं आज बहुत, पढ़ाई भी नहीं हो रही कुछ भी, मैं थक गया, बोर हो गया नीचे यार। कॉफी पीते हैं थोड़ा सा कॉफी। क्या प्लान में, खाने पीने चले, खाने पीने चलते हैं यार, मेरे एग्जाम के बाद चलते हैं, मेरे एग्जाम बस यार 10 दिन जो है उसको मैंने करना है, अभी तो मेरे से नहीं हो रहा ना सिर, अगर हो रहा हो तो मैं करना देता, नहीं यार पैसे नहीं देना किसी को, पैसों के बगैर अपने बलबूते पे करनी हर चीज, बस दुआ कर दिया करो यार बॉयज। और क्लास हो रही 7 वाली इसमें, किसकी क्लास चल रही है, बैठा हुआ। अच्छा चलो अब थोड़ी देर तक वीडियो शूट करता हूँ, बाकी लोग खाने का टाइम हो, अगर सैर साहब खाना गर्म कर रहे हैं तो ये खाना खाना खाते हैं, बाकी जो लोग आगे करते हैं। वेरी गुड, नासर जो है उसके साल में जो है पानी डालने लगा था, तो ये हमारे मौसम में ही ये लैस भी ना इधर देखिए, इसे सच में कहते हैं लाइव बना दे, इतना आदत छोड़ दे ये तो हो गया, ये लैस भी ना है भाई साहब, वो कैमरे में मौसम भाई, कैमरे में हाथ डाल देना, सही कह रहे मौसम भाई, मौसम भाई ये 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 बताया सही हो, मेरी बात सच्ची थी, ये लैस भी है, क्या किधर कर रहे हो, मैं
खाना शाना खाने आया हूँ तो पढ़ाई भी होगी थोड़ी बहुत, काम नहीं है, एक मॉडल लगाया बच्चे का तो वो आपको दिखाता हूँ बेचारा खाना शाना खा के, बस खाना गर्म हो रहा माइक्रोवेव में तो बस ओहो ये क्या कर रहा ब्रो। तो साहब अभी कहना खाना गर्म कर रहा नासिर के, वो खाना लेने रोटी शोटी लेने गया, रोटी लाता फिर यहाँ बैठ के हम खाना खाएंगे, तो खाना क्या था तब तक चुपले मार लेते। तो साहब भाई कुछ चवल ही हो जाए, चल चवल मार ले, हेल तो वही बड़ी चवल है, देखो चवल तेरी माँ वो तेरी अंडे का की हाल करती हूँ तेरी माँ चवली मार ली थी, सैफ साहब ने बट चवली माइक्रोवेव ने मार दी, अब सैफ साहब जो है उसकी सफाई कर रहे हैं। जुल्फे यहाँ तक बड़े बाल थे, देखे सब कटवा दिए क्योंकि यहाँ से पकड़ के मार पड़ती थी इसको, सब कुछ कटवा दिया। मैं इसके साथ काम शाम करवाता हूँ ठीक है, बाकी लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, दूसरा तो भी आया वो भी रोटी लेके आते फिर करते हैं ठीक है। ये खाना ये इसने यहाँ गंडा डाल दिया, दूसरा खाना किधर वो वहाँ पे, बाकी देखो क्या होगा, शिकारी गया कुछ ले आया वो जा गई, बाकी ब्लॉग करते हैं बाद में। खाना गर्म होगा फाइनली, एक करेले लैके आया, मेरा सालन है गया यार, रोटियां भी आ गई ने, बाऊ भी आ गया, तो बस वो खाना गर्म हो रहा है क्यों खाना गर्म होता तो परवाना भी आ रहे हैं, जड़े रोटी लैन गए से रोटी लैन है आप मैं गए ने मुझे तात उत्तों तो मुझे जैम ही आते हैं, फिर असं लंगर शुरू कर लिया ठीक है, हूँ तुम अगर मिले लंगर तो बाद ठीक है, क्योंकि अब लोग देसी है असं आप देसी लोग हाँ तो थोड़ा जहा मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पैना कितने उर्दू के कितने इंग्लिश के लफ्ज़ नहीं आने के बच्चे तो कितने पंजाबी फिर चलो मिक्सचर चल भरा भी रोटी गर्म होगी घट फिर खाइए, लोगों ने नमाज भी पढ़नी है, नमाज भी पढ़नी है, मिलते हैं फिर आगे। अब हम चलते हैं अपने ऑफिस के अंदर, देखते कोई है कि नहीं, सब जा चुके हैं, देखो उसको क्लियर भी कर चुके हैं वो लड़का, उसकी सफाई वगैरह भी हो गई, सारा कुछ हो गया है कि आगे यहाँ बच्चे सारे बैठे हुए थे काम शाम कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था मैं आपको वो क्या नाम रिव्यू करवाऊँगा 3D प्रिंटिंग क्या होती है और मैं क्या काम करता हूँ, बेसिकली अभी यहाँ बन रहा है जो प्रिंट्स ख़राब है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और जो अभी प्रिंट कर रहे हैं वो भी दिखाऊँगा आपको, पहले मैं आपको दिखाऊँ जो ख़राब हुए हैं ठीक है, ये वाला जो है ख़राब हुआ है, ये हमने क्या नाम है चेयर बनानी थी बट वो ख़राब हो गया ठीक है, इस चेयर की फाइल सही नहीं थी ठीक है, उस फाइल को सुबह मैं चेक करूँगा मॉर्निंग में दोबारा, एक ये ख़राब हुई है एक और दो दफ़ा किया दोनों दफ़ा ख़राब हो चुका है, ये प्रिंटर्स थे, ये मटेरियल लगा हुआ है और ये प्रिंटर है जिसके अंदर इसने प्रिंट होना था, तो अभी एक दादा साहब का प्रिंट है जो दादा साहब को प्रिंट कर रहे हैं, उनका एक मॉडल बना रहे हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है इसमें दादा साहब का प्रिंट कर रहे हैं ठीक है, ये भी मैक्सिमम सुबह तक इंशाल्लाह बन जाएगा, तो ये प्रिंट हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हम जो प्रिंट करते हैं क्या क्या प्रिंट करते हैं, मेरी फेवरेट बिल्डिंग कौन सी जो मैंने प्रिंट की अभी तक, तो आपसे आप में से ज़्यादा लोग जानते हो मुकेश अंबानी को, उनका जो घर है वो बेसिकली मुझे बहुत पसंद है, तो ये उनका घर है ठीक है जो मैंने प्रिंट किया था अपने लिए, तो ये उनका घर है, आप में से कई लोग जानते होंगे इस घर को, देखा भी होगा, तो ये वो घर है, तो ये प्रिंट्स हैं सारे जो हमने अभी तक किए हुए हैं सारे ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये न्यूयॉर्क है ठीक है, इसका मैंने प्रिंट किया हुआ था, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, और ये एक हेलमेट है ठीक है, ये भी प्रिंटेड है सारा, तो ये मैं बेसिकली काम करता हूँ ठीक है यहाँ पे लैब के अंदर, तो बच्चे भी सीखते हैं, लोग भी जिनको सीखना है उनको सिखा भी देंगे हम, और जिनको प्रिंट करवाना वो भी हो जाएगा, तो क्या नाम है, बाकी अब लोग मैं बस में करूँगा, दोस्त वहाँ पे होंगे उनको तंगशन करेंगे उनसे बातें करेंगे बस में क्या क्या होता है वो भी आपको दिखाते हैं ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। यहाँ से निकलने का टाइम हो गया यार, बहुत मुश्किलें होंगी, अब चलते हैं घर, घर जाने का टाइम हो गया, जी मेरा बैग लाइट्स ऑफ कर दी इधर की, सिस्टम पे प्रिंट्स चल रहे हैं, सारा सिस्टम चल रहा है, एसी भी चल रहा है, प्रिंट चल रहा है,
ये प्रिंट आपको सुबह दिखाऊंगा मैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा प्रिंट। करके चाबी ले लिया, बस निकलते हैं। तो अब बस में मुलाकात होती है आपसे। ये गया, आपसे बस में मुलाकात हुई। ठीक है, अपना सामान ले रहा हूँ, बस दोस्तों को लेके निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, ये बस निकलने सारे तकरीबन जा चुके हैं, बस वो सामने जाके जहाँ पर लाइट चल रही है वहाँ से अपना सामान लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं हम यहाँ से। अब हम जा रहे हैं बस की तरफ, बस वो सामने स्टॉप पर लगी हुई है। हम सैफ साहब सुनाओ, ठीक ठाक कैसा दिन रहा? दिन आज बस अच्छा ही रहा। अच्छा, सो के गुजरे? नहीं नहीं, सो के कहाँ पे गुजरा, बस स्क्रॉलिंग। और मरना भी एक बार ही है भैया, जिसमें मैं तेरे को आया सुता ही रहा हूँ। तेरी मशूक ना सुता रहे मेरी मशूक मेरा नहीं सुनती, चलना कितना सोना उन्हें वो ब्लॉग कुत्ती के बच्चे अंदर निकला कर। बस वो सामने है, ठीक है, बस में जाके बात होती है। बस के अंदर का व्यू खिलाते हैं, बस में क्या क्या होता है सब कुछ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बेसिकली लिडो खेलते हैं, गेम शेम वो सारा आपको दिखाते हैं। स्टॉप पे आ गए हैं सारे, उतर गए अपनी अपनी बाइक्स के लिए, बाइक लेते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। बाबा ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो बाइक्स खड़ी हैं, बस बाइक लेते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। सॉरी गाइस, बस के अंदर का वीडियो कैप्चर नहीं कर पाया, वहाँ का व्लॉग नहीं शूट कर पाया। बेसिकली ये था कि अंदर की लाइट बंद थी तो लोग सो रहे थे, तो कुछ था ही नहीं, जो दोस्त थे वो कोई आया नहीं था आज के दिन, वो शायद छुट्टी पे थे, तो इस करके हमने वो अंदर का जो व्लॉग था वो शूट नहीं किया। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा सब कुछ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, आज का व्लॉग हमारा यहाँ तक का था। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं आपको। आपको अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।